हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ एंड थर्ड के लिए इंग्लिश की एक वर्कशीट देखने वाले हैं। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐड एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू फॉर्म एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स। यू कैन यूज सम प्रीफिक्सेस मोर देन वंस। तो एंटोनिम आपको ये जो दिए हुए वर्ड्स हैं, करेक्ट, रेस्पॉन्सिबल, इन सबके एंटोनिम्स बनाने हैं। कैसे? ये जो कुछ आपको ब्रैकेट में प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, इनको ऐड करते हुए आपको एंटोनिम बनाने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स बनाने हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो वर्ड के पहले लगते हैं और उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे करेक्ट के लिए यहां पे हम लिखेंगे इनकरेक्ट, ठीक है? तो इनकरेक्ट लगाने से इसका ऑपोजिट बन जाएगा। रेस्पॉन्सिबल का इररेस्पॉन्सिबल, एडुकेटेड अनएडुकेटेड, अपियर डिसअपियर, लेजिबल इललेजिबल, कनेक्ट डिसकनेक्ट, कंस्ट्रक्ट डीकंस्ट्रक्ट, रेगुलर इररेगुलर, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ठीक है? तो ये हमारे जो हैं सारे एंटोनिम बन गए हैं प्रीफिक्सेस की हेल्प से। नेक्स्ट आप देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कार्डिनल नंबर्स जस्ट काउंटिंग होती है, 1 2 3 4। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं किसी भी चीज की जो पोजिशन है उसका जो ऑर्डर है वो, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो सारे हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो नंबर्स आपको ब्रैकेट में दिए हैं, सेंटेंस को ढंग से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको वहां पे कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर की स्पेलिंग लिखकर फिल करना है ब्लैंक को। ओके, सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माय सिस्टर इज डैश इयर्स ओल्ड। तो सिक्स की सिक्स, तो यहां आ जाएगा माय सिस्टर इज सिक्स इयर्स ओल्ड। तो SIX, 6, इस टाइप से फिल करना है। आवर टीम वॉन डैश मैचेस, कितने? फिफ्थ की फाइव मैचेस, FIVE 5। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इंडियाज डैश प्रेसिडेंट, ब्रैकेट में लिखा है 1। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट और इंडियाज 1 प्रेसिडेंट, फर्स्ट। तो इसको आपको ऑर्डिनल में लिखना है, फर्स्ट लिखना है, FIRST, फर्स्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए, आई सेट ऑन डैश बेंच, कौन सी पे? थर्ड बेंच, 3 का बन जाएगा थर्ड। गिव मी डैश एप्पल्स, गिव मी 2 एप्पल्स, ठीक है? तो TWO 2। सेंटेंस को रीड करके आपको पता चलेगा कि कौन सा सही आएगा, कार्डिनल की ऑर्डिनल नंबर। डिटेल वीडियो देखना है तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे मैंने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। एड सुटेबल सफिक्सेस टू द नाउन टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। सफिक्स क्या होते हैं? जो वर्ड के बाद में लगते हैं, ठीक है? तो वर्ड के बाद में जो नाउन है उसके बाद में हमें जो सफिक्स है वो लगाना है और एडजेक्टिव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, स्नो, तो स्नो का बन जाएगा स्नोई। स्नोई की स्पेलिंग SNOWY, स्नोई। इमोशन का बन जाएगा इमोशनल, NAL, यहां Y ऐड किया है, यहां AL ऐड किया है। हेज का बन जाएगा हेजी, अगेन यहां हमने Y ऐड किया है। पॉइजन का बन जाएगा पॉइजनस, NOUS। सक्सेस का बन जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है? मूड का बन जाएगा मूडी, इस तरीके से। तो इनमें आपको सफिक्स लगाने हैं और सफिक्स लगाकर आपको जो है एडजेक्टिव बनाना है। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे सक्सेस में एक सी और है, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। फिलिंग द ब्लैंक्स विद विल एंड कैन। तो विल एंड कैन जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विल जो हम करेंगे, कैन जो हम कर सकते हैं, ठीक है? देन अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सीमा डैश टर्न 10 नेक्स्ट मंथ। तो सीमा विल टर्न, ठीक है? रिया डैश आई बोरो योर पैन। तो कैन आई बोरो योर पेन? नन ऑफ देम डैश एफोर्ड ए कार, नन ऑफ देम कैन एफोर्ड। आई डैश रन फास्टर देन यू, आई कैन, ठीक है? आई कैन रन फास्टर देन यू, इस तरीके से। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब ब्रैकेट गिवन इन द ब्रैकेट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस का डिटेल वीडियो, दो वीडियोस तो मैंने बिल्कुल डिटेल में डाले हुए हैं,
इंट्रो एंड आप कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर ही मैंने दोनों वीडियोस जो हैं वो बनाए हुए हैं। हिंदी में भी है उनमें कि कहाँ कौन सी चीज हमें कैसे यूज करनी है वो आप देखिएगा। और इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं टेंस बेस्ड वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होने के लिए। यहां हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला होता है दैट इज वॉज, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इनको चेंज कर देना है ब्रैकेट में जो वर्ड है। इट डैश हैवीली, इट वॉज रेनिंग, ओके, रेनिंग हैवीली। वी डैश बाय अ न्यू कार, वी है तो वर, वॉज लगेगा सिंगुलर के लिए एंड वर लगता है हमारा प्लूरल के लिए। वी वर बाइंग अ न्यू कार, द विलेजर्स गो टू टेम्पल, गो ब्रैकेट में है, तो द विलेजर्स वर गोइंग टू टेम्पल। इस तरीके से अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आप कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाए आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।